और दोस्तों कैसे हो, मैं कौस्तुभ भाई, आप देख रहे हो कौस्तुभ भाई भाई एंड कौस्तुभ भाई भाई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है एएमडी वर्सेस इंटेल। क्या आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, क्या आप कंफ्यूज हो कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, एएमडी और इंटेल कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरे चैनल में नए हो, क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अभी क्या अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एएमडी के ऊपर में। तो एएमडी जो प्रोसेसर है वो सबसे कम दाम में आपको बाजार में मिलता है। लेकिन दोस्तों पहले के टाइम में जो एएमडी का प्रोसेसर आता था तो बहुत ही घटिया प्रोसेसर है। जो बुलडोजर वाला जो सीरीज था वो बहुत ही घटिया था, उसमें बहुत ही हीट जनरेट होता था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जो राइजन जो प्रोसेसर आया है एएमडी की तरफ से, वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों पिछले मंथ में जो प्रोसेसर रिलीज हुआ था, जो राइजन 5000 वाला जो सीरीज है, वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि उसमें आपको 32 MB का एक कैश मेमोरी देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको 32 MB पूरा ही कैश मेमोरी एक साथ यूज करने को देखने को मिलता है, कोई भी स्लॉट नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर्स लगा है। एंड दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो बूस्ट वाला जो फीचर्स है वो भी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों आप 4.6 GHz तक आप इसको बूस्ट कर सकते हो। जो क्लॉक स्पीड है बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है, जो इंटेल में इतना अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों आप अगर इंटेल से इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इंटेल का जो 10th generation जो प्रोसेसर है तो उससे भी ये बहुत ही अच्छा है, तो मुझे लगा है तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो अभी का भी लाइक कर दो। एंड दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों जो एएमडी का प्रोसेसर में जो कोर बना हुआ है वो 16 कोर देखने को मिलता है एंड 32 थ्रेड्स आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों इसके साथ साथ अगर इंटेल के ऊपर मैं बात करें तो इंटेल में इतना अच्छा जो फीचर्स है वो दिया नहीं गया है। एएमडी बहुत दिन से ट्राई कर रहा है इंटेल को हराने में, लेकिन इस बार शायद एएमडी इंटेल को हरा पाएगा, क्योंकि इस बार जो एएमडी ने जो राइजन जो 5000 सीरीज निकाला है बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इस प्रोसेसर में आप बहुत ही पावरफुल गेम खेल सकते हो। एंड दोस्तों इसका जो क्लॉक स्पीड है बहुत ही हाई है इंटेल से, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। लेकिन दोस्तों एएमडी जो लैग कर जाता है उसका जो कारण है वो है ऑप्टिमाइजेशन। आप शायद जानते ही हो मोबाइल में जो ऑप्टिमाइजेशन रहता है, ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी ऑप्टिमाइजेशन रहता है। जो कंपनियां होता है, जो डेवलपर रहता है, वो इंटेल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करता है, एएमडी के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता है, इसलिए एएमडी लैग कर जाता है, इसलिए एएमडी में हीट जनरेट होता है, स्लो होता है। तो ऐसे ही जो इंटेल का जो प्रोसेसर है इसलिए फास्ट होता है। जो एडोबी का जो सॉफ्टवेयर है, जो फाइनल कट है, जो एप्पल में दिया जाता है, एप्पल में जो भी प्रोसेसर यूज़ होता है वो है इंटेल के ऊपर में, तो इसलिए जो फाइनल कट जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही स्मूथ चलता है, क्योंकि जो एएमडी है उसके ऊपर डेवलपर ने कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया। लेकिन दोस्तों इस बार जो एएमडी राइजन जो 5000 जो सीरीज निकला है बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, जो भी डेवलपर है उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। लेकिन जो एडोबी का जो भी प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटेल ही ऑप्टिमाइजेशन करता है, तो दोस्तों इसलिए आपको वो एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है। तो यही कारण है, यही वजह है, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है जो एएमडी का प्रोसेसर है। तो दोस्तों आप अगर 2021 में कोई भी प्रोसेसर लेना चाहते हो तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, एएमडी का जो राइजन 5000 वाला जो मॉडल निकल का आया है वही आप सिर्फ और सिर्फ लीजिए। तो इंटेल का जो भी 10th generation जो प्रोसेसर है वो आप मत लीजिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करूंगा एएमडी का राइजन 5600 जो प्रोसेसर है वही से। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो इंटेल है वो सिर्फ और सिर्फ 14 nanometer बेस जो प्रोसेसर होता है वही सिर्फ यूज़ कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो एएमडी का प्रोसेसर है बहुत ही अच्छा है, ये 10-12 nanometer बेस्ड होगा शायद जो नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोसेसर आएगा, मतलब इसके आगे जो 6000 आएगा उसके ऊपर में शायद ये 7-10 nanometer बेस्ड प्रोसेसर यूज़ करेगा, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। लास्ट में एक छोटा सा कॉन्क्लेशन है, तो अगर आप डेवलपर है, अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आप इंटेल के साथ जा सकते हो, एंड अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो, हाई एंड गेम खेलना चाहते हो, तो आप एएमडी के साथ जा सकते हो। एएमडी के साथ जाएंगे तो उस टाइम आपको एएमडी का जो रेडियन जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए यही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी का भी लाइक कर दो, एंड आप मेरे चैनल में न्यू है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।